दो का टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के टेस्ट में है वैद्युत विभव तथा विभांतर को स्पष्ट कीजिए। वैद्युत विभव और विभांतर को बताना है, और ये दोनों ही टॉपिक दो दो नंबर के हैं, यानी कि टोटल चार नंबर का है। जैसा कि हमने फर्स्ट टेस्ट में आपको बता दिया था, आपका आधा सही है तो आप खुद को आधा नंबर दें। जैसे कि मान लीजिए आपने वैद्युत विभव जो है उसकी डेफिनेशन सही लिखी है और उसका फॉर्मूला गलत लिखा है, तो आप खुद को एक नंबर देंगे, और अगर आपका 50% से ज्यादा गलत है तो पूरा गलत कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी चेकिंग करनी है। तो पहले आप चेक कैसे करेंगे, सिंपल में अपनी कॉपी लीजिए, करिए, उसके बाद में चेक करने का जब नंबर आए, तो अगर आधा सही है तो खुद को आधा नंबर दीजिए, आधे से ज्यादा गलत है पूरा गलत कर दीजिए। तो पहला है टॉपिक, पहला है यहाँ पे वैद्युत विभव तथा विभांतर को स्पष्ट करना है आपको। फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में आते हैं बोर्ड में, इसीलिए इनका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप इसको मजाक में ना लें। फिर है तीसरा आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये तीन नंबर का है। फिर है वान डे ग्राफ जनित्र, ये भी तीन नंबर का है। इसके बाद है सम विभव पृष्ठ, ये एक नंबर का है। फिर है वैद्युत धारिता, ये भी एक नंबर का है। और लास्ट में है कूलाम का नियम, जो चार नंबर का है। कूलाम का नियम फर्स्ट चैप्टर से है, पर इसमें डाला गया है इसलिए है ताकि आप पिछले चैप्टरों को भी रिवाइज करें। अगली बार जब थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा तो उसमें इन दोनों के तीन तीन टॉपिक कम से कम हम लेंगे, ताकि आप लोगों का टेस्ट भी बड़ा हो सके और आप पिछली चीजों को रिवाइज भी कर सकें। ये नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया। तो ये है आपका टेस्ट, 20 में से कितने नंबर आते हैं कमेंट करके बताइए।